explaining your revision assignment 11. Your first question is convert into paise. पैसे में कन्वर्ट करना है बेटा हमें इन दिए हुए रुपीस को, ठीक है. वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. तो हम इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स रुपीस बड़ी यूनिट है, उसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी रिमेम्बर हम कोई भी कन्वर्जन करते हैं उसमें हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट जाएगा इसका, आपका आंसर आ जाएगा 3528 पैसे, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका 76.12 रुपीज. इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी पॉइंट हट जाएगा. 76.12 मल्टीप्लाई बाय 100. बेटा पॉइंट हटेगा क्यों? क्योंकि हम इसको दो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, ठीक है. या इस तरीके से समझिए कि हम किसी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके आगे दो जीरो लग जाती है. और अगर हम दो नंबर के बाद पॉइंट लगाए, इसमें दो नंबर के बाद पॉइंट लगाए, तो अगर हम इसमें भी दो नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो ये पॉइंट के बाद क्या आया, जीरो. तो पॉइंट के बाद जीरो आया तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है. इसे डिटेल में हम 5th क्लास में पढ़ेंगे. अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि दो जीरो से आपने मल्टीप्लाई किया है तो दो नंबर पीछे आ जाता है, पॉइंट सिंपली पॉइंट हट जाता है, क्योंकि सब में दो नंबर के आगे पॉइंट है, ठीक है. अब अगर हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो डिजिट पीछे आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा. अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं. अगर ये पॉइंट हटाने वाला मेथड आपने पॉइंट हटा दो पॉइंट हटा दो वाला रट लिया, तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बेटा हम दो जीरो लगा देंगे इसके आगे बस, क्योंकि इसमें पॉइंट तो है ही नहीं, हम हटाएंगे क्या. तो सिंपल आप 758 को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, दो जीरो लगा देते हो उसके आगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 758 उसके आगे दो जीरो, 75,800 पैसे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट इनटू रुपीस में इसका अपोजिट हो जाएगा, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना, हम डिवाइड कर देंगे 100 से. डिवाइड कर देंगे तो दो नंबर, टू जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो दो नंबर का पॉइंट आएगा, और वो दो नंबर हमें कहां से काउंट करने हैं, राइट साइड से, 1 2 यहां पॉइंट आएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट का यहां पॉइंट आएगा. रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप चाहें तो लास्ट में रुपीस लिख सकते हैं या रुपीस का साइन लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है 6519 पैसे. 6519 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें भी दो नंबर का पॉइंट आएगा, 1 2 डिजिट का पॉइंट आएगा. जब 3 डिजिट आएगी तब आपको ज्यादा ध्यान देना है कि पॉइंट कहां आएगा. आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने दोनों मेथड आपको करके बता दिए, आप चाहे इस तरीके से लिखिए रुपीज का साइन लगाए या रुपीज लिखिए, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ये इजी है, शॉर्टकट है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. जब 3 डिजिट होगी तब आपको ध्यान देना है कि राइट साइड से 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद यहां पॉइंट आएगा, ठीक है. इसमें भी 1 डिजिट 2 डिजिट का पॉइंट यहां आएगा, ठीक है. अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम पढ़ते हैं.
असाइनमेंट से करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम बेटा। मनी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है, रिचा बॉट अ स्कर्ट फॉर रुपीज 558.50। रिचा एक स्कर्ट लेकर के आई है 558.50 की, एंड अ पेयर ऑफ शूज, और एक पेयर ऑफ शूज लेकर आई है, ठीक है, उसके पैसे हैं आपके 1325.25 पैसे, ठीक है। ये पेयर ऑफ शूज के पैसे दे रखे हैं, ये स्कर्ट के पैसे दे रखे हैं। द क्वेश्चन इज, इससे पता चलता है बेटा आपको कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, कितनी मनी उसने खर्च की है ऑल, पूरी मिला के। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डू द एडिशन बाय योरसेल्फ। स्टेटमेंट है बेटा, रिचा बॉट अ स्कर्ट फॉर, इजी स्टेटमेंट, रिचा बॉट अ स्कर्ट फॉर, ठीक है, इसी से बन जाएगा। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर, ठीक है, शी स्पेंड इन ऑल, प्लस करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मनोज स्पेंड रुपीज 785 ऑन ट्रेन फेयर। मनोज ने खर्च किए 785 रुपीज ट्रेन फेयर पे, ट्रेन के किराए पे, ठीक है, और 245.50 रुपीज ऑन इन बाइंग गिफ्ट्स, गिफ्ट खरीदने में उसने इतने पैसे खर्च किए, और 528.50 रुपीज स्वेटर खरीदने पे खर्च किए। स्टूडेंट्स ये यू है बेटा ये, ठीक है, 528.50 इन बाइंग अ स्वेटर, एक स्वेटर खरीदने के लिए खर्च किए। व्हाट इज हिज टोटल स्पेंडिंग, कितने उसने टोटल खर्च किए। तो स्टेटमेंट भी इजी है, मनोज स्पेंड ऑन ट्रेन फेयर पे उसने इतने पैसे खर्च किए हैं। यहाँ पे बेटा पैसे नहीं दे रखे हैं, तो हम पॉइंट लगा के पैसे पे 00 लिख लेंगे अपने आप, ठीक है, फिर हम इसको ऐड करेंगे। एक ही स्टेटमेंट से सारी बन जाएंगी, मनोज स्पेंड्स ऑन ट्रेन फेयर, मनोज स्पेंड्स ऑन बाइंग, इन बाइंग भी हो सकता है बेटा, ऑन बाइंग दोनों ठीक है, ऑन बाइंग गिफ्ट्स, शी स्पेंड्स ऑन बाइंग अ स्वेटर, और हिज टोटल स्पेंडिंग, क्वेश्चन में दे रखा है हिज टोटल स्पेंडिंग, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो आप अपने आप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।